हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लेग्राउंड। दोस्तों, वो पहले बच्चों के साथ कुकर्म करता था, फिर उनका मर्डर करता था। जानिए दिल्ली के इस हैवान की पूरी कहानी, जिसने 30 बच्चियों को अपना निशाना बनाया। साल 2012, दिल्ली के बेगमपुर का उत्सव विहार इलाका। यहाँ एक फौजी का मकान था। इस मकान में रविंद्र का परिवार शिफ्ट हो गया था। पिता प्लम्बर थे और उसकी माँ गृहिणी। रविंद्र का एक छोटा भाई भी था। घर वाले ध्यान नहीं देते थे, रविंद्र कब घर से बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, कोई टोका टोकी नहीं करता था। लिहाजा वो बिगड़ता चला गया। पैसों की किल्लत थी, लिहाजा ज़्यादा शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। अब पैसों की किल्लत तो तभी दूर होगी जब पैसा कमाने के बारे में सोचा जाए और काम किया जाए, लेकिन रविंद्र के बस की बात नहीं थी। कोई लड़की उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि न तो उसकी स्कूलिंग हुई थी और न ही पड़ोस में कोई लड़की ऐसी थी। गरीबी, गांव का माहौल और परिस्थितियां कह लीजिए। रविंद्र दूर से ही लड़कियों को देखकर अपने जज्बात दबा लेता था। अब भला कब तक दबेंगे। 2008 से पहले उसे शौक चढ़ा भूतिया फिल्म देखने का। उसने बचपन में एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, जिसमें 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे कुकर्म या दुष्कर्म करते थे। बस इस फिल्म ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया। अब वो भी ऐसा करने की सोचने लगा। यह फिल्म देखने के बाद वह भी शराब पीने लगा, और उसके बाद सूखा नशा, मतलब सॉल्यूशन व वाइटनर आदि करने लगा। कहते हैं उसने 2008 में पहली घटना को अंजाम दिया। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। अब उसने बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। हवस का शिकार ही नहीं, उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। ताजुब की बात यह है कि इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। साल बीतते चले गए। वो टारगेट चुनता था गरीब बच्चों को, और जगह चुनता था खाली पड़े प्लाटों को। बच्चों के माँ बाप ज़्यादा पैरवी नहीं कर पाते थे, और इसी का वो फायदा उठाता था। उसे लगता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और होता भी यही चला गया था। साल 2012 में जब उसका परिवार बेगमपुर शिफ्ट हुआ, उस वक्त उसकी उम्र 19 साल की थी। 2008 से 2012 तक लगातार क्राइम करता जा रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग रही थी कि इसके पीछे कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। बात 2014 की है, तभी रविंद्र करीब 21 साल का था। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी जगविंदर दहिया, जो इस केस की जांच कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में आरोपित ने बेगमपुर थाना इलाके में बच्चे को अपना शिकार बनाया था। बच्चे के साथ गलत काम किया और उस तरह से बच्चे का गला काट दिया। इसके बाद बच्चे को नाले में फेंक दिया था। नाला सूखा था व उसमें रेती पड़ी थी। बच्चा जब नीचे गिरा तो उसका गला मिट्टी में सट गया। इस वजह से उसका खून निकलना बंद हो गया था। रविंद्र ने सोचा कि वो मर गया है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक बीट कांस्टेबल ने बच्चे को नाले में पड़े देख लिया और वो बच गया। बेगमपुर के उत्सव विहार इलाके में जिस जगह रविंद्र का परिवार रहता था, उसके पड़ोस में सन्नी वर्मा नाम का एक लड़का भी रहता था। सन्नी के पिता रविंद्र के पिता को जानते थे, वो ही इस केस में जमानती बने, लिहाजा रविंद्र 1 साल के बाद उन्हीं की बदौलत बाहर आ पाया। लेकिन कहते हैं सन्नी के पिता और सन्नी का रविंद्र के परिवार में आना जाना हो गया था। इसकी वजह थी रविंद्र की माँ। रविंद्र की माँ और सन्नी के बीच नाजायज संबंध थे। जेल से बाहर आते ही सन्नी ने रविंद्र की हेल्पर के तौर पर नौकरी लगवाई थी। सन्नी ट्राला का ड्राइवर था। एक दिन सन्नी ने रविंद्र को रेडियो ठीक कराने के बहाने से घर से बाहर भेज दिया, और वो रविंद्र के घर में घुस गया। वहाँ उसने रविंद्र की माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अचानक रविंद्र वहाँ पहुँच गया और उसने अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद विवाद हुआ।
अब रविंद्र ने सन्नी को ठिकाने लगाने का सोच लिया था। दिल्ली का कंजा वाला इलाका 13 जुलाई 2015 को रविंद्र बहाने से सन्नी को अपने साथ एक प्लॉट में ले गया। वहाँ उसने जमकर शराब पी। उसने सन्नी से भी शराब पीने को कहा, लेकिन उसने बहाना लगाकर शराब नहीं पी। नशे में उसने सन्नी की बहुत पिटाई की, लेकिन सन्नी मौका पाकर फरार हो गया। उसने सन्नी के दस्तावेज अपने पास रख लिए थे। रात भर नशे की हालत में रविंद्र सन्नी को तलाशता रहा और बेगमपुर इलाके में पहुंच गया। पूरी रात वो नशे में चूर होकर घूमता रहा। अब उसका अगला शिकार एक मासूम लड़की बनी। जांच अधिकारी रहे रिटायर्ड एसीपी जगमिंदर दहिया ने बताया कि रविंद्र ने 14 जुलाई 2015 को सुबह 6:30 बजे बच्ची को खेतों की ओर शौच के लिए जाते देखा। उसने बच्ची को 10 रुपये दिए। वह खंडर इमारत की दूसरी मंजिल पर ले गया। वह बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा तो बच्ची चिल्लाने लगी। गुस्से में आकर उसने बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने लाश के साथ दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में उसने शव को पहली मंजिल की शॉफ्ट में फेंक दिया। जब बच्ची के परिजन को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने इधर उधर बच्ची को तलाशा। उस वक्त खंडर इमारत से रविंद्र बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन परिवार को क्या पता था कि ये ही आरोपी हैं। बाद में बेगमपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बच्ची को तलाशना शुरू किया और आखिरकार जांच अधिकारी दहिया ने खंडर से बच्ची की लाश को ढूंढ निकाला। कहते हैं कि अगर उस वक्त रविंद्र को सन्नी मिल जाता तो उसकी हत्या होती और वो शांत भी हो सकता था, लेकिन सन्नी नहीं मिला और इस वजह से वो शांत भी नहीं हुआ। इसी क्रम में उसने बच्ची का मर्डर कर दिया। तो क्या माँ के नाजायज संबंध की वजह से वो सन्नी को मारना चाहता था? जब ये मंशा थी तो उसने बच्ची को शिकार क्यों बनाया? रविंद्र ने बच्ची की लाश के पास सन्नी के दस्तावेज फेंक दिए थे। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। पुलिस सन्नी तक पहुंची और उससे ये पूछा कि उसके दस्तावेज मौके पर कैसे पहुंचे, तो उसने रविंद्र का नाम ले लिया। बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ये भी पता चला था कि सन्नी के बाद में रविंद्र की माँ ने रेप का इल्ज़ाम भी लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर रविंद्र सन्नी को अपनी माँ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नहीं देखता तो न तो वो सन्नी को पीटता और न ही उसके बाद लड़की का मर्डर करता। लेकिन रविंद्र आत्तन अपराधी था, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लड़की के मर्डर के मामले में अब अदालत का फैसला आया, उसे दोषी करार दिया गया। वो 2015 से जेल में बंदे पूछताछ में उसने ये बताया कि 2008 से लेकर 2015 तक उसने 30 से ज़्यादा बच्चियों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में आरोपी को कब फांसी होगी, इसका इंतज़ार रहेगा। जांच के दौरान पता लगा कि इसमें से 14 मामले दिल्ली के थे। दिल्ली के अलावा आरोपी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गाजियाबाद में वारदातों को अंजाम दिया। उस वक्त के जांच अधिकारी जगमिंदर सिंह दहिया ने बताया कि आरोपित ज़्यादातर गरीब परिवारों के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। ये बच्चे तो सड़क किनारे सोते थे या निर्माणाधिकार इमारतों के पास झोपड़ी बनाकर माता पिता के साथ रहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्लेग्राउंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।